और बाकी राज्यों में जो हो रहा है वहां पर भी आप जैसे कह रहे हैं कि रीनेमिंग ऑफ सिटीज, आपने लखनऊ को रीनेम करना है, हर चीज, मतलब जो मुगलों का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हटा दीजिए, नेहरू परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है उन्हें हटा दीजिए. मुगलों का कोई नहीं हटाना चाहिए, ना हम भी हटाना चाहते हैं, परंतु इस देश की परंपरा को अगर कोई स्थापित करना चाहते हैं इसमें किसी की आपत्ति नहीं हो. और जो रीनेमिंग ऑफ सिटीज की बात चल रही नहीं, है, देखिए एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम नव हो और बदला है. इसको हमने बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं और हर सरकार का विधायी अधिकार है जी. 2024 को लेकर आप समझते हैं, इज इट, क्या आप ऑलरेडी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के लिए क्या मुद्दा होगा बीजेपी के लिए, क्या क्या मैसेजिंग होगा? देश का विकास, सुरक्षित देश, देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है, और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं, और ढेर सारी सिद्धियां, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तय की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर इनमें सफलतापूर्वक प्रयास किया है, भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% 8 साल के अंदर कम करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है, वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई. नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है. मैं तो अभी त्रिपुरा में घूम रहा हूं, आज भी एक मैं बहुत गरीब घर के अंदर भोजन करने के लिए गया था, उसने उसका टॉयलेट भी बताया, गैस का सिलेंडर भी बताया, घर में बिजली भी बताई और नल से आता हुआ पानी भी बताया और आयुष्मान भारत का कार्ड भी बताया. ये लाभार्थी स्कीम तो ये गरीब के घर में पहुंचा है सारा. और बाहरी धान का बड़ा प्लास्टिक का बोरा भरा पड़ा था, मैंने कहा माई क्या करोगी, धान को धीरे धीरे यूज करोगी कि ना, अब तो फ्री चावल मिलता है, इसको हम बेच लेंगे, सरकार धान खरीदती भी है, भाजपा की सरकार, इसको हम बेच देंगे और हमारा खाने का अनाज तो चावल तो मोदी जी भेज रहे हैं, उससे फिर तेल और सब्जियां खरीदेंगे, इससे तेल सब्जियां बाकी जीवन जरूरियात की चीजें उसके जीवन को वो अपग्रेड करेंगे. इसके घर में लगभग मैंने ऐसा पूछा नहीं पर प्लास्टर वाले घर की चमक थी, अभी कलर भी नहीं लगा था, घर में प्लास्टर हो चुका है, इसको गौरव था. जी, तो ये परिवर्तन जो है मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है. परिवर्तन की राजनीति, ये आप पिछले 8 साल और अब 2 साल, लेकिन क्या आप 2024 में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन किसे मानते हैं, कांग्रेस लेड बाय राहुल गांधी? ये तो देश की जनता ने तय करना है, अभी तो किसी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का लेबल जनता ने लोकसभा में नहीं दिया है. लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ तो अब राहुल गांधी ही खड़े होंगे, क्योंकि ममता जी वगैरह तो देखिए ना, ये 3 राज्यों में चुनाव है, कितना असर होता है. राहुल गांधी तो आए नहीं कैंपेन करने के लिए, त्रिपुरा तो आए नहीं, वो आना ना आना उनकी फुर्सत का सवाल है,
परंतु परिणाम तो आना चाहिए ना, देखिए ना क्या आता है अभी काउंटिंग के दिन। लेकिन तीन राज्यों में है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, तीनों पुराने कांग्रेस के राज्य हैं जी। कितनी मजबूती मिलती है देखते हैं परिणाम में। पर वो अब गठबंधन के साथ अभी गठबंधन में भी तो मिलेगी, सीट शेयरिंग की है उन्होंने। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी काफी रैटल हो गई है, डर गई है कि राहुल गांधी का इमेज चेंज हो गया है। चलिए वो उनका एक विचार है, मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की बातों को देश की जनता सही मानती है। जब आप होम मिनिस्टर बने थे, आपका क्या गोल था और आप उसको अचीव करने में किस हद तक कामयाब रहे हैं? इस प्रकार से सिमट कर कहना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, परंतु मैं इतना निश्चित मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई है, वो नीतियों ने भारत को विश्व के फलक पर पहुंचाने का काम किया है। भारत के अंदर ढेर सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति एक ही काम ऐसा है जो 50 साल तक भारत को पे करेगा, भारत की नई पीढ़ी बनाएगा, भारत के विचारों वाली नई पीढ़ी बनेगी जो आने वाले दिनों में पूरे विश्व के अंदर चकाचौंध करने वाली सफलता लेकर आएगी। मैंने नई शिक्षा नीति के मसौदे को बहुत बारीकी से पढ़ा है, बहुत बारीकी से। और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, हर बार जब शिक्षा नीति आती है इसका बहुत विरोध होता है, क्योंकि ढेर सारी कमियों को लोग ढूंढ कर निकाल देते हैं। ये शिक्षा नीति का किसी ने विरोध नहीं किया है। क्या पढ़ा ही नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, शिक्षाविद तो पढ़ते ही है और बेबाकी से अपने विचार भी रखते हैं जी, परंतु इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत भी हो रही और सार्वत्रिक इसका स्वागत हो रहा है जी। मैं तो कई जगह इसके सेमिनार में भी गया हूं।